स्वागत है दोस्तों। और आज का टॉपिक में दोस्तों बात करेंगे ड्रेन को लेकर, ठीक है। तो ड्रेन कब बनता है अपना रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान में, तो सबसे पहला जो अपना काम रहता है वो अपना ड्रेन रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आउटर जो अपना बाउंड्री है वो अपना फिक्स हो जाता है, और जो ड्रेन है दोनों तरफ से जब बन जाता है उसके बाद से जो आगे का प्रोसेस रहता है अपना रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो आज बात करेंगे दोस्तों कि ड्रेन अपना किस तरीके से होता है, और साथ में जो कवर दिया जाता है किस तरीके से, कौन सा कवर आपको ड्रेन में दिया जाता है। पहले दोस्तों देख लेते हैं कि अपना जो ड्रेन है अपना इस तरीके से है, ठीक। जो अपना भीतरी से जो गैप है वो अपना 1.5 फीट है, और आउटर से आउटर अपना 2.5 फीट का ये अपना विथ है, और साथ में जो लंबाई अपना 1.5 फीट का ये अपना स्लैब है, ठीक है। तो ये स्लैब आपका प्रीकास्ट रहता है, वो मतलब आपका साइट पर से वहाँ से बन के यहाँ पर आता है, और जो डेप्थ रहता है हाइट वो अपना 4 इंची का है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से इसको बिछाया जाता है पूरी ड्रेन के ऊपर से, जिसे हम ड्रेन कवर कहते हैं, और मोटार के साथ आपको 1 इंची का मोटार देना होता है। उसके नीचे में आपको ब्रिक वर्क इस तरीके से किया जाता है। मोटार जो रेशियो रहता है अपना सीमेंट का भाग होना चाहिए, वो अपना 1, 2 और 4 का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कंक्रीट जो रहता है अपना, आप 1 इंची का मोटार देकर, और भीतरी से आपको इसी तरीके से प्लस्तर, क्योंकि पानी आपका नहीं तो ख़त्म कर देगा अगर प्लस्तर नहीं रहेगा तो। और दूसरा होता है दोस्तों कि पैसे जहाँ से निकलता है ना वहाँ पर आपको वहीं पर कास्टिंग करके आपको ड्रेन का कवर बनाया जाता है, जो कि अपना थिकनेस का बात करें तो आपको 6 इंची का थिकनेस आपको देना होता है। और जो अगर लेंथ का बात करें तो आपका रोड का जितना चौड़ाई है उतना चौड़ाई में आपको स्लैब का कवर इसी तरीके से देना होता है, ठीक है। तो ये अपना लेंथ है, और जो डेप्थ होना चाहिए 6 इंची का डेप्थ होता है। और जो अगर जाली का बात करें, RCC, सभी RCC, आपका जो छोटा सा ये स्लैब है ये भी अपना RCC है, और ये जो अपना है इसमें भी RCC, मीन्स जिस तरीके से स्लैब का RCC टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट दिया जाता है, मेन रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में आपको चेयर, सभी आपको यहाँ पर देना होता है। 10 mm का डंडी दिया जाता है, जो स्पेसिंग जो है 6-6 इंची का, सेम आपका जो स्लैब का रहता है वही आपको डंडी इसमें RCC दिया जाता है, और M20 का रेशियो 1:4 का, नहीं नहीं 1:3, ठीक है, 1:1.5:3 का रेशियो में आपको कास्टिंग किया जाता है, ठीक है। और यही मकसद था दोस्तों कि बताने के लिए कि अपना जो ड्रेन का कवर जो होता है, एक होता है अपना प्रीकास्ट जो कि अपना साइटे पर ही बन के उसके बाद यहाँ पर प्लेसिंग शिप करना होता है ऊपर का ढक्कन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि आपको यहीं पर कास्टिंग किया जाता है, और कास्टिंग जो होता है जब भी पैसे जहाँ पर आपको जाने के लिए आने जाने के लिए क्रॉस जहाँ पर रोड पर जाता है ना वहाँ पर आपको कास्टिंग साइटे पर देना होता है, ठीक है। तो यही था दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। कंस्ट्रक्शन संबंधी का इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कंस्ट्रक्शन लाइन संबंधी का वीडियो को लेकर। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।